मेरा नाम संजीव शर्मा, बरसड़ युवा मोर्चा से इस बार अध्यक्ष। ठीक है सर। मेरी तरफ से सभी बरसड़ वासियों को, हमीरपुर वासियों को व प्रदेश वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। दीपों के त्योहार दीपावली के अवसर पर मैं समस्त प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बधाई देता हूँ। आशा व्यक्त करता हूँ कि दीपावली का अवसर ये समस्त देशवासियों, प्रदेशवासियों के जीवन में खुशहाली लाएगा, समृद्धि लाएगा, और मेरा विश्वास रहेगा कि सभी प्रदेशवासी, देशवासी इस संकल्प के साथ ये त्योहार मनाएंगे कि भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प से सिद्धि की बात करी है, जो स्वच्छ इंडिया की बात की है, जो न्यू इंडिया की बात की है, उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम हर्षोल्लास के साथ इस दीपावली को मनाएं और चाइना की वस्तुओं का बहिष्कार करके स्वदेशी को अपनाते हुए दीपों के इस त्योहार को खुशी खुशी मनाएं और संकल्प लें कि हम अपने राष्ट्र को स्वच्छ रखेंगे, स्वस्थ रखेंगे और विश्व गुरु बनाने का जो सपना देश के प्रधानमंत्री जी ने देखा है, उस सपने को पूरा करने के लिए अपना योगदान देंगे। प्रदेश वासियों को और जिला हमीरपुर वासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हमारे सभी प्रदेशवासी, जिलावासी खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और अपने जीवन में सच्चाई और ईमानदारी को अपनाएं, जो कि हमारा एक ध्येय है कि सबका साथ सबका विकास। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। हमीरपुर वासियों और वार्ड नंबर 11 के वासियों और प्रदेश वासियों को दिवाली के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। ये दिवाली आपके लिए मंगलमय हो। दिवाली की सभी नगरवासियों को हमीर दशहरा कमेटी की तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और दिवाली पे हमारे सारे बच्चे कुछ 5-6 दिन की ब्रेक पे भी जाते हैं और थोड़ा अपने आप को फ्रेश करके भी आते हैं और होमवर्क पढ़ के भी आते हैं। तो हमारी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सारे स्टाफ को और बच्चों को, बच्चों के पेरेंट्स को, और इनकी दिवाली शुभ हो और हर दिन इनकी दिवाली हो, ऐसे हमारी कामना है। आप सभी शहरवासियों को और मेरे सभी हमीरपुर वासियों को, प्रिय ग्राहकों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी यही कामना है कि आप सभी लोग सेफ और खुशहाली भरी दिवाली मनाएं। टुनी कुमार, नगर परिषद काउंसलर, अपने हमीरपुर निवासियों को, हिमाचल निवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं और जो भी मेरे हिमाचल वासियों का, हमीरपुर वासियों की इच्छा है वो माता लक्ष्मी पूरी करे। मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। प्रदेश मेडिकल अफसर एसोसिएशन की तरफ से प्रदेश वासियों को दीपावली और नए साल की शुभकामनाएं, और दीपावली के शुभ अवसर पे हमारा यही संदेश रहेगा कि दीपावली आप मनाएं लेकिन सुरक्षित और एक अच्छे वातावरण में उसको मनाएं। गणपति एंटरप्राइजेस हमीरपुर की तरफ से सभी देश, प्रदेश व जिला वासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और यही कामना करता हूं कि हर वर्ष की भांति आपकी ये दीपावली भी शुभ रहे। हिंदुस्तान का सबसे मशहूर पर्व दीपावली आने वाला है। मेरी तरफ से सब हमीरपुर वासियों को, हिमाचल वासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बच्चों से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि अपने जो पटाखे वगैरह हैं उनको कम जलाएं और जलाएं तो सेफ्टी से जलाएं ताकि किसी को किसी प्रकार की हानि ना हो। और मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई सबको और स्वच्छता का खास रूप से लोग ध्यान रखें। ये मैं नगर परिषद के माध्यम से ये मैं सबसे अपील भी करना चाहूँगा कि सफाई का खास हर आदमी ध्यान रखे और इसी के साथ दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं ओपी भारद्वाज, चेयरमैन हिमाचल पेंशन कल्याण संघ के सभी पेंशनरों को दिवाली के ऊपर बधाई देता हूं और वो खुशियों से दिवाली को मनाएं। इसमें थोड़ी सी मुश्किलात तो पैदा की है कि सरकार ने जो
10, 15, 20, 25 के ऊपर जो डीए मिलना था वो मुख्यमंत्री ने नहीं दिया, जबकि पेंशनरों ने काफ़ी जोर शोर से कई स्थानों के ऊपर अपना मांग पत्र रखा, उनको समझाया भी। और श्री टीडी ठाकुर जो सेक्रेटरी जनरल हैं हिमाचल पेंशन कल्याण संघ के, उन्होंने सारी कैलकुलेशन करके भी सरकार को दी, जबकि श्री कांत बाल्दी ने उनको मिसगाइड किया जो फाइनेंस कमिश्नर हैं, और उसके ऊपर कैलकुलेशन करके जब दी गई तो उन्होंने 200 करोड़ बताया था, जबकि उसके ऊपर सारा ही 35 करोड़ आता है, जबकि 15 करोड़ पंजाब देता है, 21 करोड़ का खर्चा आता था। मगर क्योंकि ये विधायकों को अगर कुछ मिलना हो, मंत्रियों को कुछ मिलना हो, तो 5 मिनट में वो ले लेते हैं, जबकि पेंशनर कर्मचारियों के प्रति अगर कुछ देना हो तो वर्षों तक ये दिया नहीं जाता है। ये अन्याय कब तक सहन किया जा रहा है? तो इसलिए भी हमारे पेंशनर जो हैं थोड़े महसूस करेंगे फाइनेंशियली प्रॉब्लम। और मैं चाहता हूं, फिर भी मेरा ये संदेश है हिमाचल पेंशन कल्याण संघ के सभी पेंशनरों को कि वो अपनी दिवाली खुशी से मनाएं। मैं प्रदेश महिला आयोग सदस्य प्रमिला देवी भोरंज विधानसभा क्षेत्र आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं, पूरे प्रदेशवासियों को और खासकर भोरंज विधानसभा क्षेत्र के लोगों को, जनता को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सबसे विनम्र निवेदन करती हूं कि दीपावली के इस शुभ अवसर पर अपने बच्चों का ध्यान रखें, और महिलाएं खासकर अपना घर का कामकाज समय पे ख़त्म करके दीपावली का मजा लें और भरपूर आनंद उठाएं। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूं, और माँ लक्ष्मी जी से आपके घर में, आपके घरों में सुख शांति हो और आपके घर धन धान्य हो, आपको माँ लक्ष्मी सुख समृद्धि दे। धन्यवाद। मैं हेमा शान, MD हिमकिरण सेकेंडरी स्कूल, आज दीपावली के उपलक्ष में पूरे प्रदेशवासियों को और अपने जिला हमीरपुर वासियों को बधाई देना चाहूंगी कि ये बुराई पर अच्छाई का जो ये प्रतीक दीपावली और रंगों का त्योहार अर्थात दीपों का त्योहार जो आज पूरा देश मिलजुल के मना रहा है, सबको इस पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान सबको प्रसन्न रखे, माँ लक्ष्मी सबके भंडार भरे रखें, खुशियां सबके जीवन में आए और प्रसन्नता सबके अंग संग रहे। मेरा हमीरपुर वासियों को आने वाली ये दिवाली जो है, सभी को इसकी उपलक्ष में सभी को बहुत बधाई, और मेरा एक विशेष अनुरोध रहेगा हमीरपुर वासियों से कि वो शहर में त्योहारी सीजन के दौरान दुकानों को आगे ना बढ़ाएं, नालियों में अतिक्रमण ना करें जिससे लोगों को आने जाने में असुविधा ना हो, और कूड़ा कूड़ेदानों में डालें, और पटाखे जो हैं वो ऐसी जगह पे करें जिससे किसी भी लोगों को असुविधा न हो और देर रात तक पटाखों का काम ना करें। साथ साथ में मैं शुभकामनाएं भी देना चाहूंगी, हार्दिक बधाई सभी को देना चाहूंगी, अपने बच्चों को, उनके अभिभावकों को, पेरेंट्स को, सभी टीचर्स को और अपने सभी फ्रेंड सर्कल में सभी को दिवाली की सभी को हार्दिक बधाई देती हूँ कि दिवाली जो है बड़ी खुशी और उल्लास और अपनी पूरी ट्रेडिशन से मनाएं, अच्छे अच्छे पकवान पकवाएं जो वो पकाते थे पहले, उनको फिर से एक बार पकाने की कोशिश करें, क्योंकि हमारा आजकल हम देखते हैं पकवान भूल ही गए हैं, लेकिन उनको रिवाइव तभी रहेगी वो हमारी चीज़ें अपडेट अगर हम उनको करते रहेंगे तो मैं यही सबसे कहना चाहूँगी कि वही पकवान पकवाएं जो हमारे पूर्वज पकाते थे। इसके साथ साथ ही एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि दिवाली है, दिवाली का मतलब ये नहीं कि हम बहुत सारे पटाखे चलाएं, इस चीज़ का भी ध्यान में रखें कि पटाखे जो है वो ना ही चलाएं, और वो पटाखे चलाएं, वो क्रैकर्स चलाएं जिससे पॉल्यूशन ना हो, और पॉल्यूशन के साथ हमारा जो ये चीज़ें हैं, हमारा जो एनवायरनमेंट है इसको कोई खतरा ना हो, क्योंकि एनवायरनमेंट बिगड़ेगा तो हमारी सेहत भी बिगड़ेगी, तो इस चीज़ का हमें भरपूर रखना है। मुझे नहीं लगता कि पटाखों से या क्रैकर से या इन चीज़ों से कंपटीशन हम करते हैं, उसने इतने चला लिए, उसने इतने चला लिए, ये मुझे लगता है बेफजूल और बेमायने कंपटीशन है।
तो इस तरह का नहीं, हम सभी को अपने फैमिली मेंबर्स में या अपने आसपास हैं सभी को हम आपस में जब मिल बैठते हैं तो हमें यही करना चाहिए, हम यही सोच विचार करें कि ये चीज़ें हमें नहीं करनी है, तो वही चीज़ें करें, थोड़े दिए जला लें, एक दूसरे खुशी से मिलें, अपनी मिठाइयाँ, मिठाइयों के ऊपर मैं बोलना चाहूँगी कि कुछ ऐसी मिठाइयाँ भी आजकल के दिवाली के आसपास के उसमें आ जाती हैं जो बहुत ही हार्मफुल उसकी कंपोजिशन बनी होती है, उनसे चीज़ों से बनाई गई होती हैं, तो उनका भी खास ख्याल रखें कि जो मिठाइयाँ हैं उनको भी ठीक गिन चुन के या कोशिश करें अपने पास आप ही मिठाइयाँ पकाएं, और अगर बाहर से लानी है तो उधर देख पर के ही इन स्वीट्स को लाएं। इसके साथ साथ मैं सभी को एक बार फिर से दिवाली की शुभकामनाएं देती हूँ, सभी को, अपने बच्चों को भी और अपने सभी फ्रेंड सर्कल में, टीचर्स को, अपने बच्चों के अभिभावकों को और सभी हमीरपुर वासियों को भी, सभी को ही अपने, हम सभी को हार्दिक बधाई दिवाली की।